हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग हैं राजकोट सिटी में। राजकोट सिटी जो है उसे रंगीले राजकोट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है वो हमारे तरह खाने पीने के बहुत ही शौकीन है। सो अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा कैस्टल में। पिज़्ज़ा कैस्टल जो है वो अपने डिफरेंट तरीके के पिज़्ज़ा के लिए बहुत ही फेमस है, और साथ ही साथ यहाँ पे अनलिमिटेड इटन मेल भी मिलता है। सो चलिए, आप हमारे साथ यहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं। सब चीज़ें दिखाएगा आपको, यहाँ पे कौन कौन सा सलाद है, कौन कौन सा पिज़्ज़ा है वगैरह वगैरह, सब चीज़ें दिखाएगा आपको इसी वीडियो में। तो अभी सलाद की बात करते हैं। यहाँ का जो सलाद है वो काफ़ी डिलीशियस है, और यहाँ का जो प्रेजेंटेशन है वो भी शानदार तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। 24 टाइप ऑफ सलाद है, 16 टाइप ऑफ कोल्ड सलाद है, और 8 टाइप ऑफ हॉट सलाद है। हॉट सलाद में बात करें तो ज़्यादातर यहाँ की जो आइटम है वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ में कई तरह की आइटम है। वैसे जाहिर सी बात है, 8 टाइप ऑफ हॉट सलाद है तो ज़्यादातर चाइनीज़ की चीज़ें यहाँ पर मिल ही जाती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने तो ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम ही लिए। चिकन पोटैटो है, मंचूरियन है, साथ में सीजन फ्राइड राइस है, तो कई सारी चीज़ें, और 2 टाइप ऑफ यहाँ पे सैंडविच भी है। मैंने लिया पास्ता, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट है। और इन सब के साथ साथ 2 टाइप ऑफ सूप भी है। ये जो आप सूप देख रहे हो, ये हॉट एंड सोर सूप है, और ये स्वीट कॉर्न। यस, वाह क्या बात है, ये भी अनलिमिटेड। ओके, पानीपुरी भी अनलिमिटेड जी, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। तो वैसे तो पिज़्ज़ा कैस्टल का हमने गूगल पे रिव्यू देखा था, और उनमें से हमें कई तरह के रिव्यू हमने देखे। सो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ की पानीपुरी के थे और सलाद के थे, और यहाँ का सलाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। उसके साथ साथ जो पानीपुरी है वो मैं और डेनिश अभी ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको बता दें इसका टेस्ट कैसा है। पानी एकदम बढ़िया है, साथ में सलाद में सैंडविच भी है, फ्रेंच फ्राई भी है। वैसे ये जो पिज़्ज़ा कैस्टल है राजकोट के एकदम सेंटर में है, कोटेचा चौक जो है उसी के एकदम नज़दीक है। और कोटेचा चौक की अगर बात करें तो ये जो चौक है राजकोट का हर्ट कहलाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लंच और डिनर करते टाइम यहाँ का जो व्यू मिलता है वो काफ़ी शानदार मिलता है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे यहाँ का पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड, आपको वो भी दिखाएंगे। सलाद खाने के बाद आ चुके हैं हमें पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड, इसका नाम बताओ। यस, जो आप मेरे पास देख रहे हो ये है एक्जोटिक चीज़ गार्लिक ब्रेड, ये ओनली चीज़ गार्लिक ब्रेड। इसके साथ साथ हमारे पास अभी 3 टाइप ऑफ पिज़्ज़ा, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है चीज़ ब्लास्ट पिज़्ज़ा, ये है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, और ये जो है वो पिज़्ज़ा कैस्टल स्पेशल पिज़्ज़ा है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूँगा ये चीज़ ब्लास्ट पिज़्ज़ा से, क्योंकि यहाँ का स्पेशल है। गार्लिक ब्रेड के साथ अगर पेपरिको सॉस मिल जाए तो उसका जो मज़ा है वो कुछ और ही आता है। अगर आप मेरी तरह स्पाइसी खाने के शौकीन हो तो ये बात आप ठीक से समझ पाओगे। सो अभी मैं शुरू करता हूँ। पिज़्ज़ा एकदम बेस्ट है और सॉफ्ट है,
मुझे बहुत अच्छा लगा पिज्जा ये। ये जो गार्लिक ब्रेड का टेस्ट है काफ़ी मज़ेदार है, जैसे मैंने बात की इसके साथ जो पेपरिको सॉस था तो उसे खाने में और मज़ा आ रहा है, और ये जो ब्रेड है एकदम सॉफ्ट है और इसमें हल्का सा बटर का भी फ्लेवर आ रहा है क्योंकि इसमें जो बेक किया हुआ था तो इसमें गार्लिक बटर ऐड किया जाता है उसके साथ चीज़ है, तो एज ऑलवेज बहुत ही मज़ा आता है। पिज्जा का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, ये डबल एम आता है, इसका टॉपिंग में पनीर है, टमाटो है, जलेबेनो, ओलिव्स, एकदम बढ़िया, ऊपर से चीज़ सॉस भी है। वैसे जब कभी हम अनलिमिटेड इटालियन मेन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ब्रेड के लिए टू ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अभी है मेरे पास एक्जोटिक गार्लिक ब्रेड जिसमें टॉपिंग रहता है ढेर सारा, और आता है गार्लिक ब्रेड विद चीज़। सो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको इन दोनों में से कौन से ज़्यादा पसंद है, एक्जोटिक ब्रेड या चीज़ गार्लिक ब्रेड। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों भाई के व्लॉग में ज़्यादातर पिज़्ज़ा के वीडियो रहते हैं, अनलिमिटेड मेल के वीडियो रहते हैं, पर वो क्या है ना कि डेनिश जो है वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा ही खाता है। जब कभी हम घर पे होते हैं तो वो पिज़्ज़ा के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लंच और डिनर में ज़्यादातर पिज़्ज़ा ही लेता है, तो इसीलिए उसे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। तो हम जब कहीं जाते हैं तो नए नए पिज़्ज़ा की जो प्लेसेस है अनलिमिटेड इटालियन मेल जो है उसे ज़्यादातर एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हमें भी पिज़्ज़ा का और इटालियन मेल का शौक़ है, और इसीलिए उसके साथ हम टेस्ट भी कर पाते हैं और व्लॉग भी बनाते हैं। सो आज आपका ये जो कन्फ्यूज़न होगा वो शायद मैंने क्लियर कर दिया होगा। सो अभी बारी आती है थिंकर्स पिज़्ज़ा की, जो दिखने में काफ़ी थिंक है, उसमें ढेर सारा चीज़ है, और ये जो पिज़्ज़ा है वो इटालियन है और इसमें कई तरह के टॉपिंग भी आप देख सकते हो, जैसे कि टोमेटो, कैप्सिकम है, उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न है। सो इसका जो टेस्ट है वो एकदम डिफरेंट रहने वाला है। ऐसे तो पिज़्ज़ा का और गार्लिक ब्रेड का जो टेस्ट है वो काफ़ी मज़ेदार है, सभी जो आइटम है वो काफ़ी परफेक्ट तरीके से बनाई गई है, सभी चीज़ें परफेक्ट तरीके से बेक की गई है, और इसका जो बेस है वो भी एकदम सॉफ्ट है, और बेक करने के बाद इसमें जो थोड़ा हल्का सा क्रिस्पी रहता है वो सब भी है। पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर सलाद जो है यहाँ का वो ज़्यादा पसंद आया है, और मुझे पता है डेनिश को तो एज ऑलवेज पिज़्ज़ा ही पसंद आया होगा, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ का जो सलाद है वो पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छा लगा। नो डाउट पिज़्ज़ा भी अच्छा है, पर यहाँ का जो सलाद है वो काफ़ी क्रीमी है, जूसी है, उसके साथ साथ टेस्टी भी है। सलाद, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, ये सब चीज़ अनलिमिटेड है यहाँ पे। हमारा इटालियन मेल जो है वो कंप्लीट कर लिए, हमें यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, और उसके साथ साथ यहाँ के जो ओनर है उसने हम एक चीज़ सजेस्ट की है जिसका नाम है केक पिज़्ज़ा। यस, वैसे तो हम अपने बर्थडे पे एनिवर्सरी में ज़्यादातर केक कट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते या तो एनिवर्सरी करते, पर अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो कुछ डिफरेंट तरीके से सो हम ये जो चीज़ है उससे इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एकदम नई है, हमने गुजरात पे ये चीज़ जो है पहली बार देखी है, और आप देख सकते हो इसमें 4 लेयर है। उसमें चीज़ की अगर बात करें तो बात ही ना पूछो, क्योंकि इसमें ढेर सारा चीज़ है और एकदम जो है दिखने में क्रविंग है। सो अगर आप चाहो तो अपना बर्थडे या तो फिर एनिवर्सरी आप यहाँ पे भी आकर सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशली बैंकेट हॉल भी दिया गया है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आके अपना बर्थडे और या तो फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो। सो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि दिखने में काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो मैं इसका लुक देख के गेस कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का जो पिज़्ज़ा है वो मैं अपनी लाइफ पर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। सो गाइस, ये जो पिज़्ज़ा की बात की हमने इसका टेस्ट जो है काफ़ी मज़ेदार है, इस तरह की ऑफर भी है अगर आप अपने ग्रुप के साथ आते हो तो। ये जो हमने देखा है अपने वीडियो में जिसका नाम है केक पिज़्ज़ा, ये हमने गुजरात पे पहली बार ही देखा है। सो ये जो चीज़ है वो आपको कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे दी जाएगी। सो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सब डिटेल और यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मिल जाएगा, सो वो एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा। सो गाइस, हमें बहुत मज़ा आया, सभी चीज़ें बढ़िया थी, गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा, उसमें भी फुल चीज़ था, बहुत मज़ा आया। और जब यहाँ पे आप आओ तो यहाँ का केक पिज़्ज़ा है वो बहुत ही फेमस है, वो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हैप्पी आवर भी है, 4 to 6 में जो चलता है, यहाँ पे अनलिमिटेड इटालियन मेल की जो प्राइस रहती है 150 रुपीज़ रहती है, सो वो भी आप ट्राई करना। और उसके साथ साथ लंच डिनर की जो प्राइस है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और ये जो पिज़्ज़ा कैस्टल है वो राजकोट के एकदम सेंटर में है, कोटेचा चौक है, वो राजकोट का हर्ट भी कहलाता है। तो लंच और डिनर
करते टाइम जो व्यू मिलता है वो बहुत ही शानदार मिलता है। और वीडियो कैन कर देते हैं। यस, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एटिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।